जय हिंद, आप सभी का फिर से स्वागत है फोर क्रिएटिव स्टडीज के एक नए एपिसोड में। आज के इस एपिसोड में हम लोग देखेंगे BHDAE 181 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जो आने वाले एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। यदि इन सभी सवालों को आप कंप्लीट कर लेते हैं तो एग्जाम में थोड़ी सी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि इन्हीं में से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, सबसे पहले मैं इस सब्जेक्ट का जो है सिलेबस के बारे में चर्चा करता हूँ, क्योंकि ये सिलेबस जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। ठीक है, ये आपका हिंदी सब्जेक्ट है, ठीक है, इसमें सिर्फ आपका हिंदी मीडियम से ही होगा, क्योंकि ये हिंदी सब्जेक्ट ही है। ठीक है, अगर आप हिंदी सब्जेक्ट की बात करें तो हिंदी मतलब बोले तो हिंदी ही, उसका इंग्लिश नहीं हो सकता। यदि आप हिंदी मीडियम अलग बात है और सब्जेक्ट अलग बात है। ठीक है, तो आई होप कि आप सभी समझ चुके होंगे ये हिंदी वालों के लिए ही है। आपके यदि आप इंग्लिश मीडियम के हैं और ये BHDAE आपको फर्स्ट ईयर में सब्जेक्ट है, तो आपका हिंदी में ही एग्ज़ाम देना पड़ेगा। ओके, ऐसा नहीं कि आप इंग्लिश मीडियम वाले हो के हैं तो इसके लिए इंग्लिश रहेगा, ऐसा कुछ नहीं है, ये हिंदी सब्जेक्ट ही है। ओके, चलिए, तो इसकी बात सिलेबस, ये आपका 50 मार्क्स का एग्ज़ाम होगा। ठीक है, 50 मार्क्स का पूछे जाएंगे, 50 मार्क्स का 2 घंटे का समय दिया जाएगा आपका एग्ज़ाम के लिए, आपका आंसर राइटिंग करने के लिए। सब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, 10-10 नंबर के, आपके टोटल 5 सवाल के उत्तर देने होंगे। ठीक है, और इसमें आपका हिंदी व्याकरण से जो ना ज़्यादातर तो क्वेश्चन देखने को मिलती है, तो आप सभी जो हिंदी व्याकरण का अच्छे तरीके से पढ़ लीजिए, जैसे कि हो गया वर्ण हो गया, संज्ञा हो गया, संधि हो गया, सर्वनाम हो गया, कारक हो गया, और मैंने एक एक करके उसे बताया भी है क्या क्या पढ़ना है आपको। ठीक है, तो उसके बारे में चर्चा करूंगा। चलिए, यहाँ तक की बातें समझ में आ चुकी होगी, आई होप कि आप सिलेबस समझ चुके होंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, कुछ जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने लाया है उसको आप सभी को जरूर कंप्लीट करके जाना है। ठीक है, तो चलिए पहला का सवाल देखें। पहला सवाल कहा जाता है, भाषा का स्वरूप स्पष्ट करते हुए उसकी प्रकृति की चर्चा कीजिए। भाषा का स्वरूप स्पष्ट करते हुए उसकी प्रकृति की चर्चा करें, ये आपका जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर है, ये आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, और आपको हो सकता है कि एग्जाम में दोबारा से रिपीट कर दे, क्योंकि ज़्यादातर देखने को मिलता है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस और SMN के क्वेश्चंस से ज़्यादातर मतलब क्वेश्चन देखने को मिलती है। तो मैंने इसको सारे के सारे जगह से मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, आपके स्टडी मटेरियल और प्रीवियस ईयर के SMN क्वेश्चंस और चैप्टर वाइज टॉपिक्स से मैंने सारे के सारे क्वेश्चंस लाया है। ठीक है, ये सारे के सारे क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और आगे मैं चर्चा करूँगा कि इसके आंसर्स कहाँ मिलेंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा धैर्य बनाए रखें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जाता है, क्वेश्चन नंबर 2 में संप्रेषण कौशल पर एक निबंध लिखें। ये संप्रेषण जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके ये सब्जेक्ट सिलेबस में। ठीक है, संप्रेषण जैसे हो गया आपका मौखिक संप्रेषण, लिखित संप्रेषण, इससे 100% एक क्वेश्चन निश्चित मिलेगा। ऐसे मैंने लिखा भी है, मौखिक संप्रेषण मैंने क्वेश्चन डाला भी है। ठीक है, तो ध्यानपूर्वक आप देखिएगा संप्रेषण क्या होता है, संप्रेषण के कितने प्रकार होते हैं, प्रकारों को भी अच्छे तरीके से आप डील करके आना। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, इसलिए मैंने लिख दिया संप्रेषण कौशल पर एक निबंध लिखें, और एक बार पूछा भी जा चुका है ये क्वेश्चन। ओके, चलो अगला सवाल कहा जाता है, मौखिक संप्रेषण की अवधारणा और उसके प्रकारों की रेखांकित कीजिए। यानी मौखिक संप्रेषण क्या होता है, यानी उसकी चर्चा करना है, उसके साथ साथ मौखिक संप्रेषण के कितने प्रकार हैं, प्रकारों को भी डिटेल से आपको चर्चा करना है। उसके अगला सवाल कहा जाता है, 4 नंबर, वर्ण की परिभाषा देते हुए स्वर वर्ण की विशेषताएँ बताइए। देखिए वर्ण क्या होता है, इसकी परिभाषा देना है, और वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, स्वर वर्ण, व्यंजन वर्ण, ये स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण दोनों को आप कंप्लीट कर लेना। ठीक है, जैसे इसमें पूछा गया स्वर वर्ण, हो सकता है आपके एग्जाम में व्यंजन वर्ण पूछ दे। ओके, तो ध्यान रखना इसको, और हिंदी व्याकरण आप अच्छे तरीके से पढ़ लेना है। ओके, उसके कहता है क्वेश्चन नंबर 5 में कि हिंदी भाषा और उसके विकास पर प्रकाश डालिए। ये हिंदी भाषा जो ना आपको काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगी, इसको देख लीजिएगा, क्योंकि हिंदी भाषा आपको जो ना संक्षिप्त टिप्पणी के समय में जो नोट्स शॉर्ट नोट्स बनाया जाएगा उसमें भी पूछा जा सकता है, आपको लॉन्ग टाइम में भी पूछा जा सकता है, लॉन्ग टाइम क्वेश्चन जो है उसमें भी पूछा जा सकता है, ये पूछे जाने की संभावना है ज़्यादातर है इसको। ठीक है, इसको देख लीजिएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 कहा जाता है, देवनागरी लिपि की परिभाषा देते हुए उसके प्रकारों का प्रकाश डालिए। देवनागरी लिपि क्या होता है, इसके बारे में चर्चा कीजिए, उसके कितने प्रकार है, प्रकारों को भी आप अच्छे तरीके से डील कर लेना। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग देख लिया। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखने से पहले कुछ मैं इंपॉर्टेंट बातें बताऊंगा, जो आप सबों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो मैंने ये सारे के सारे क्वेश्चन डाले हुए हैं, इसके आंसर्स कहाँ मिलेंगे, वो भी बेस्ट आंसर, इसके बारे में चर्चा करते हैं। और इसके आंसर के लिए मैं नीरज बुक्स को रिकमेंडेड करूंगा, इसके आंसर बहुत ही बेहतरीन है, और आप सब वो इसके बारे में परिचित ही होंगे कि इग्नो के जो बेस्ट बुक्स है नीरज बुक्स, और काफ़ी ज़्यादा इसमें बिलीवेबल भी है, और इसमें अभी भारी छूट भी चल रही है, 50% का डिस्काउंट चल रहा है, आप सभी इसको परचेज करेंगे, यदि 500 से ज़्यादा के परचेज करते तो आपको डायरेक्टली 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा, ये काफ़ी ज़्यादा मतलब अच्छी है, आप सभी इसको परचेज कर सकते हो, इसका ऑफिशियल वेबसाइट पर भी जाके, और उसे मैंने लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया। और आप सबको करना क्या है,
जैसे ही आपको एक कूपन कोड मांगा जाएगा, कूपन कोड में आपको लिखना है FCS 2023, ये कैपिटल लेटर के हैं, ठीक है। FCS 2023 आपको कूपन कोड डालना है और आपको 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा। 500 से ज़्यादा का परचेज करते हैं तो आपको 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा। और जो मैंने क्वेश्चंस डाले हैं इसके आंसर इसमें बहुत ही अच्छी तरीके से दिया गया है, आप सभी इसको खरीद सकते हो, इसको परचेज कर सकते हो, बहुत ही अच्छी बुक है, ठीक है। मैं रिकमेंडेड करता हूँ नीरज पब्लिकेशंस को, आप सभी यहाँ देख सकते हो, सारे के सारे चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल है और इसका लिंक आपको कहाँ मिलेगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ से आप परचेस कर सकते हो, कुछ भी यहाँ सारे के सारे चीज़ अवेलेबल है, आप सभी देख सकते हो स्क्रीन पे, ओके। तो आप सभी इससे परचेस कर सकते हो और इससे पढ़ सकते हो, बेहतरीन तरीके से आंसर राइटिंग किया हुआ है। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेवन कहा जाता है सौर वर्ण की विशेषताओं को रेखांकित कीजिए। देखिए मैंने कहा था ना कि ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैंने रिपीट किया, कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने रिपीट किया है, ठीक है। और कहा था व्यंजन हुआ अवयव और उसके प्रकारों पर प्रकाश डालिए। देखिए कितने आपको ज़्यादातर आपको देखने को मिलेगा हिंदी व्याकरण से, ठीक है। तो देखिए अवयव क्या है और उसके प्रकार कितने हैं, कितने प्रकार हैं, उसके बाद उसके प्रकारों को भी अच्छे तरीके से पढ़ लेना है। उसके अगला सवाल कहा जाता है कि रचना के आधार पर वाक्य के भेदों की चर्चा कीजिए। ये देखिए कभी कभी रचना पूछ सकता है, कभी उच्चारण पूछ सकता है, इस तरह से आपको देख लेना है, ठीक है, वाक्य के भेदों की चर्चा करना है, ओके। उसके बाद आपको इस तरह से टिप्पणी के लिए पूछा जाएगा, चार दिए जाएंगे, ठीक है, चार में से किन्हीं दो के आपको आंसर बताने हैं, ठीक है। कहा जाएगा पाँच नंबर के पूछे जाएंगे इस तरह से। इसमें मैंने इस तरह से क्वेश्चन को एडजस्ट किया ताकि आप सबों को दिक्कत ना हो एग्जाम हॉल में, ठीक है। कहा जाता है हिंदी भाषा अभी जस्ट मैंने बताया था, देवनागरी लिपि अभी जस्ट मैंने इसको भी रिपीट किया, और वर्ण और लिपि, वर्ण क्या है, लिपि क्या है, कारक और विभक्ति, ये सभी जो है ना आपका ज़्यादातर आपको हिंदी व्याकरण से देखने को मिलेगी, ठीक है। और जो बुक से मिलेगी उसको भी मैंने ऐड किया है, और व्याकरण में कौन कौन से इंपॉर्टेंट हैं उसको मैंने ऐड किया है। क्वेश्चन नंबर 10 तक देख चुके हैं, अब चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कहा था लिखित संप्रेषण के स्वरूप और विकास पर प्रकाश डालिए, परिचय कीजिए। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अभी जस्ट मैंने बताया था संप्रेषण के मौखिक संप्रेषण, लिखित संप्रेषण, ये आपको पूछे जाने की संभावनाएं बनती है तो इसको जरूर देख लेना, ठीक है। उसके बाद कहता है आंगिक संप्रेषण, ये भी संप्रेषण के प्रकार हैं, आंगिक संप्रेषण, मौखिक संप्रेषण, लिखित संप्रेषण, ये सभी संप्रेषण के ही प्रकार हैं, ठीक है। तो संप्रेषण को बहुत ही अच्छे तरीके से आपको पढ़ना है, बहुत ही अच्छे तरीके से, ठीक है। और आप सेकेंड ईयर में जब जाओगे, आप अगर BHDLA 137 लोगे, आपका अगर हिंदी मीडियम है तो 137 लेंगे ही आप, तो ये आपको संप्रेषण के बारे में बहुत ही अच्छे तरीके से वहाँ भी मिल जाएगा। तो आप एक साथ दोनों ईयर के कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आप कर अभी जरूर पढ़ लेना है इसको, बहुत और इम्पोर्टेंट भी काफ़ी ज़्यादा है, ओके। उसके बाद कहा जाता है मौखिक संप्रेषण की अवधारणा और उसके प्रकारों की चर्चा कीजिए, ठीक है, अभी जस्ट मैंने बताया अभी था। और कहा था व्याकरण से सर्वनाम की परिभाषा देते हुए इसके प्रकारों पर प्रकाश डालिए, वचन विधान पर प्रकाश डालिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये स्टडी मटेरियल का है, इसको जरूर देख लेना। उसके बाद कहा था सर्वनाम का परिभाषा देते हुए चर्चा कीजिए, सॉरी ये रिपीट हो गया है, ठीक है, उसे इंपॉर्टेंट है। और आपको करना क्या है, ग्रामर के बारे में भी बताऊँगा उसके, ठीक है, बता दूंगा कुछ कुछ जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे स्वर वर्ण की विशेषताओं पर प्रकाश डालिए, रेखांकित कीजिए, क्रिया और उसके प्रकारों पर प्रकाश डालिए, और उच्चारण के आधार पर व्यंजन के भेदों की चर्चा कीजिए। देखिए मैंने बताया था रचना के आधार पर, उच्चारण के आधार पर, ये सभी आपको ध्यान रखना है। फिर मैंने लास्ट में दे दिया टिप्पणी कीजिए, जिस तरह से भी मैंने बताया था कि आपको दो सवाल पूछे जाने की संभावना बनती है, हिंदी भाषा, देवनागरी लिपि, वर्ण और लिपि संप्रेषण, इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आपको टोटल 5 क्वेश्चन के आंसर लिखने हैं, ठीक है, 5 यानी 10-10 नंबर के होंगे, सॉरी 4 आपको 10-10 नंबर के मिलेंगे और 1 मिलेंगे, 2 मिलेंगे आपको 5-5 के, ठीक है, इस तरह से क्वेश्चंस मिलेंगे आप सभी, इसी में से क्वेश्चन ज़्यादातर देखने को मिलेगा आपको, ओके। तो आप ये टोटल 20 को सवाल को मैंने बताया, 20 के 20 आप अच्छे तरीके से कंप्लीट करके जरूर जाइए, आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होगी, ठीक है। चलिए आज के सेशन में यही रहने देते हैं, और संज्ञा के सर्वनाम, उसके तहत सर्वनाम हो गया, वर्ण, लिपि, संप्रेषण, क्रिया, कारक, ये सभी आपको देख लेना है, ठीक है। चलिए आज के सेशन में बस इतना ही रहने देते हैं, आई होप कि आप सबों के लिए ये सेशन काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित हुआ होगा। और एक अपना निवेदन है आप सबों से, जो भी चैनल में पहली बार आए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और बेल आइकन को जरूर हिट कीजिए। सेशन अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिए, कमेंट के मैसेज में जो भी डाउट हो डाउट पूछिए, और अपने दोस्तों को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।